मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। और एक बार ये वर्क आपको याद भी करना है और साथ साथ उतारना भी है। जब भी आपके एग्जाम शुरू होंगे तो आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो भी आपको एग्जाम पेपर में दिया जाएगा, तो वो भी आपको अच्छे से करना है, समझना है। देखिए, बात करते हैं इसी चैप्टर के जो अतिरिक्त क्वेश्चन हमारे चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 की। कीबोर्ड के द्वारा आप फाइल कैसे खोलते हैं, बंद कर सकते हैं या उसको रक्षित का मतलब होता है उसको आप सेव कर सकते हैं। बात करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, तो खोलने के लिए हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ओ, बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F4। जो भी पेज आपने खोला हुआ है केवल वही पेज आपका बंद होगा। और सेव करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस S। टाइटल बार कहाँ स्थित होती है? टाइटल बार जो आपकी स्क्रीन होती है ठीक सबसे उसके ऊपर जो है शो होती है, वह हमें बताती है कि हम किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। मेन्यू बार में कितने विकल्प होते हैं? मेन्यू बार में आपके 9 विकल्प, जिसको हम कमांड भी कह सकते हैं। और प्रत्येक के क्या है, अलग अलग आपके काम होते हैं, जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू है, उसमें भी आपकी अलग अलग आपकी कमांड होती है मेन्यू बार में। क्वेश्चन नंबर 6, बोल्ड, इटैलिक तथा अंडरलाइन की आपको शॉर्टकट कीज बतानी है, कौन कौन सी होती है। अगर आपको बोल्ड करना है टेक्स्ट, तो इसके लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस बी। तो जो भी आपका टेक्स्ट है वह इस तरह से आपका बोल्ड हो जाएगा, डार्क हो जाएगा मोटे अक्षरों में। इटैलिक का मतलब होता है हल्का सा तिरछा, जो आप मैं तो इतने स्लिट लाइन यूज करते हैं, तो इस तरह से आपका इंडिकेट हो जाएगा, देखिए हल्का सा तिरछा है। और अंडरलाइन में क्या हो सकता है, जो भी आपका वर्ड है या टेक्स्ट है उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये आपके होते हैं, ये आपको याद भी करना है और समझनी भी है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वह मुझे कॉल कर सकता है। थैंक यू।